हेलो फ्रेंड, एडजी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लाए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 23। आज हम लोग फ्रेंड्स 23 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैंने 22 सेट तक अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखें तो जाकर देखिए और अपना रिविज़न कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह जो सेट है आगामी परीक्षाओं के लिए, खासकर RRB ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही उपयोगी सेट है दोस्तों। तो चलिए इस सेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो भी इस पर फर्स्ट कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में उसका नाम अपने चैनल के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड, अगस्त 2020 में पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक किया गया। तो ये जो है फ्रेंड, अगस्त 2020 में जो चलाया गया था, ये जो है देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक जो है ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए अनिल किशोर बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो ये जो है फ्रेंड, जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जो ब्रिक्स बैंक के, बिहार के ही रहने वाले हैं अनिल किशोर जी, तो ये जो है बिहार के नवादा जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। ये जो है फ्रेंड, मछली पालन के लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, ये नवम्बर यानी 9 नवम्बर 2019 को आया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा है। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये जो है फ्रेंड, काला पानी का जो क्षेत्र है ये जो है उत्तराखंड राज्य में है, जो कि नेपाल भी इस पर जो है दावेदारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 6 नंबर, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये जो है दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, इन्होंने जो है कार्यभार संभाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, ICC ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो ये जो है फ्रेंड, अनिल कुंबले की अध्यक्षता में जो है ऐसा पाबंदी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने COVID-19 महामारी से लड़ने वालों स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस PPE किट का निर्माण किया है। तो PPE किट का जो निर्माण किया फ्रेंड, ये किया है नवरक्षक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB यानी NDB का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये जो है फ्रेंड, मार्कोस ट्रायजो को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है। तो ये जो है फ्रेंड, 49% से बढ़ा करके जो है 74% बढ़ाने का जो है निर्णय लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन जो है आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। यानी दोस्तों, ये जो है किस राज्य में सबसे अधिक वन, ये नहीं पूछा जा रहा है, मतलब 2019 के रिपोर्ट में जो है किस राज्य में वनों की वृद्धि में मतलब वृद्धि हुई है, ये जो है कर्नाटक राज्य में वृद्धि हुई है, और सबसे अधिक जो वन है वो है मध्य प्रदेश में। 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार
2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो ये जो है 20% का जो है शुल्क लगाया है हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? तो इसमें फ्रेंड्स भारत की जो है विकास दर जो रही थी वो 5% रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 5 लाख की जो टैक्स है दोस्तों उस पर 0 रुपया आपको यानी 0% टैक्स देना होगा, कुछ भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो ये जो है फ्रेंड भारत के रांची जो है झारखंड की राजधानी रांची में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के रूप में मना रहा है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था फ्रेंड, 2020 की बात की है तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो है मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की सोहराय तथा कोबहर कला को GI Tag दिया गया है? तो ये जो है सोहराय फ्रेंड जो है ये सोहराय जो है अधिकतर जो झारखंड में मनाया जाता है तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, वहीं के जो है इसको GI Tag प्रदान किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना? तो ये जो है फ्रेंड हाल ही में जो है मालदीव देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य को है? यानी सबसे अच्छा जो बजट पेश करता फ्रेंड वो किस राज्य ने पेश किया है इस बार? तो वो किया है असम ने। असम के जो मुख्यमंत्री फ्रेंड वो है सर्बानंद सोनोवाल। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा आरक्षण में मतलब ऐसा निर्णय लिया है कि वहाँ के जो है खिलाड़ियों को 5% तक जो है आरक्षण दिया जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल लॉन्च यानी सी शटल का जो है शुभारंभ किया है? तो ये जो है फ्रेंड महिलाओं के लिए खासकर जो योजना चला रहे हैं ये जो है तेलंगाना सरकार ने बहुत सारी योजना चलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य से की है? तो ये जो है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उद्घाटन हुआ था फ्रेंड ये किया गया था बिहार राज्य से जुड़ी हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है? तो ये जो है फ्रेंड दीपक चाहर ने सबसे पहले जो है T20 मैचों में जो है हैट्रिक विकेट लेने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, एकता यानी ए से और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी दोनों में एक ही वॉइस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो ये जो है फ्रेंड असम सरकार ने जो है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो है ऐसा कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक का लेखक कौन है? तो ये जो है फ्रेंड पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के जो लेखक है केशव गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये जो है फ्रेंड गुजरात के भावनगर में जो है यानी गुजरात राज्य में भावनगर में किया जा रहा है। गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपानी। हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ये जो है एशियन जंपिंग मकड़ी का जो नाम है वो सचिन तेंदुलकर जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी थे उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है फ्रेंड सुरंगा बावड़ी तो ये जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये जो है फ्रेंड भारत और नेपाल के बीच ऐसा जो हुआ है बौद्ध ट्रेन यानी पहली बौद्ध ट्रेन चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा था फ्रेंड, इसमें जो है IAS महिला जो बनी है नेत्रहीन वो बनी है प्रांजिल पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 32 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं अधिकतर जो महिलाओं के लिए योजना चलाते हैं ये फेसबुक के जरिए चलाया जाता है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर फेसबुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? ये जो है फ्रेंड संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो आपको पता होगा फ्रेंड ये जो है मेघालय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ यानी भारत किस देश के साथ तुरंगा पनबिजली परियोजना पर समझौता यानी हस्ताक्षर किया है? भारत ने फ्रेंड ये जो है जापान देश के साथ मिलकर जो है इसका जो है स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है फ्रेंड इसकी मेजबानी जो है इटली देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित GI Tag प्राप्त वस्तु में कौन सम्मिलित नहीं है? तो मैं बता दूँ फ्रेंड ये जो है मयूर गुड़ जो है केरल से संबंधित है फ्रेंड, सिलाव खाजा बिहार का फेमस है, पंजाब मृथम प्रसाद ये भी तमिलनाडु का फेमस है, लेकिन ये जो इरोल्ड हल्दी है फ्रेंड ये उड़ीसा राज्य से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये जो है फ्रेंड ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग जो हुआ है उसमें जो आंध्र प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में पांचवें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो ये जो है रूस के द्वारा किया गया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह दोक्षांश जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया उनका संबंध किस खेल से था? ये जो है फ्रेंड बलवीर सिंह जो है इसका जो संबंध है वो है हॉकी खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोसेइक मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है जर्मनी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है जो कि जलवायु परिवर्तन को अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित शब्द CDS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है फ्रेंड वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये जो है फ्रेंड बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा था, क्रिस्टीना कॉच ने जो है बहुत दिनों तक जो है अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है फ्रेंड कैचअप नामक जो कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया ये फेसबुक के जरिए यानी फेसबुक के द्वारा किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है फ्रेंड चंबा सुरंग जो है
ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, यानी खेलों को जो है उद्योग का दर्जा दिया है। तो ये जो है फ्रेंड बहुत बड़ा फैसला लिया है मिजोरम सरकार ने, यानी मिजोरम के मुख्यमंत्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है। तो ये जो है फ्रेंड इसका थीम था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, आवर सोल्यूशन इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड, आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। तो ये जो है फ्रेंड दीदी वाहन की जो सेवा शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान फ्रेंड, इसे भी आप याद करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। ये जो है फ्रेंड रोजगार सेतु की योजना जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है रोजगार सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये जो है फ्रेंड नाबार्ड का जो है नए अध्यक्ष जो बने हैं वो गोविंदा राजुलू चिंटला को बनाया गया है। इस प्रकार दोस्तों इस सेट के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।